खबर अब मिर्जापुर से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की छापेमारी में सफलता मिली है। इस दौरान छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बता दें आपको कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर ये छापेमारी की गई है। विशेष परिवर्तन अभियान के तहत सुबह 5 बजे जिला आबकारी अधिकारी मिर्जापुर के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2, 3 और 4 के द्वारा आबकारी कर्मचारियों के साथ थाना लालगंज के अंतर्गत खजूरी कॉलोनी में दबिश दी गई थी। और आपको बता दें कि सुबह की इस छापेमारी में 55 लीटर कच्ची शराब जब्त कर ली गई है। साथ ही साथ अवैध शराब बनाने में 1400 किलोग्राम लहन को भी नष्ट कर दिया गया और मौके पर 4 भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। अब साथ ही आपको बता दें कि आबकारी के कार्यवाही में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। शासन और हमारे विभाग के निर्देशानुसार हमारे जनपद में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों और पुलिस बल के साथ हम ग्राम खजूरी लालगंज अंतर्गत तथा अन्य संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई है, जिसमें भारी मात्रा में करीब हमें लगता है 1400 किलो से ज़्यादा लहन नष्ट किया गया है और 55 से 60 लीटर शराब बरामद हुई है। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये अभियान निरंतर करा जाएगा, क्योंकि अभियान अर्ली सुबह सूर्योदय के करीब किया गया था तो इसमें इतनी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। चढ़ी भट्टियां भी खूब नष्ट की गई हैं और इसको हम लगातार निरंतरता के बीच। और एनटीपीसी के रिहंद स्टेशन में कार्यकारी निदेशक रिहंद और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई है। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक रिहंद देवव्रत पाल ने मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और कहा कि विषम से विषम परिस्थिति में हमारे कर्मचारी और अधिकारियों में चुनौती स्वीकार करने की क्षमता है। और ये भी कहा गया कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है। हमारे आसपास निवास करने वाले लोग हर तरह से परिपूर्ण रहें। और मुख्य प्रबंधक देवव्रत पाल ने ये बताया है कि यहाँ स्टेशन पर 500 मेगावाट से शुरू होकर आज 3000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता वाला स्टेशन बन गया है और इसके अतिरिक्त 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का कार्य निर्माणाधीन है। इस अवसर पर सोनभद्र जिले के मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी सभी मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अच्छे रहे इस साल का? क्या आपने उसे इस साल में देखिए, एक तो आप लोगों ने जैसे बताया इस साल का जनरेशंस बोलिए, ब्लड प्लांट का अवेलेबिलिटी बोलिए, हर एक पैरामीटर में हम लोग पिछले साल से आगे चल रहे हैं हम लोग। और बाकी जो है जैसे CSR फंड में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम करा है, अभी जैसे गर्ल एम्प्लॉयमेंट करा, गर्ल एम्प्लॉयमेंट मिशन करा है, या नहीं जो मोबाइल में हेल्थ यूनिट भी शुरू किया, शुभारम्भ किया था। कुछ गांव में जाकर भी हम लोग ने जीके हार्ट से रिसर्च सेंटर को बुलाया था, बनारस वाला गांव वाले को जो कार्डियोलॉजी रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको लिए भी स्पेशल कैंप कराया था, स्कूल में स्मार्ट क्लास की इनोवेट करा। और फतेहपुर की ओर रुख करेंगे, जहां जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने निर्माण हो रही 4 जिलों का निरीक्षण किया है। ये औचक निरीक्षण किया गया जहां पर 5,80,00,000 की कीमत से झीलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी के साथ साथ आशीष गोयल अपर मुख्य सचिव भी मौजूद रहे और निरीक्षण के दौरान निर्माण की जा रही झीलों के बगल में लगे पेड़ों की सुरक्षा के लिए तार बांधने की भी बात कही गई। पूरे निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर गांव के ग्रामीण भी मौजूद दिखाई दिए। हदगांव ब्लॉक के सेमरा मानापुर में बन रही झीलों का यह मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि निरीक्षण किया गया है और इस निर्माण से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में कर और राजस्व वसूली जैसे तमाम मामलों पर एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को अपर जिलाधिकारी ने बचत विभाग, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन जैसी तमाम अहम बातों से इनके संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से एक एक करके उनकी आय के साधन के बारे में जानकारी ली है।
साथ ही आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जितनी रजिस्ट्रियां या दाखिले खारिज हो रहे हैं उनका प्रतिदिन का विवरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ई स्टैंप जैसी चीजों के बारे में प्रमुख विभागों की एक कार्यशाला का आयोजन कराया जाए ताकि सभी अधिकारियों को इस संबंध में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अब आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं इस दौरान कि कहीं कहीं से ओवर रेट की शिकायतें मिल रही हैं, इसमें एक हफ्ते के अंदर ही सुधार लाया जाए और जहां आवश्यक हो वहां कार्रवाई की जाए। करियर शरीफ का जो वार्षिक उत्सव होता है ये एक्सपेक्टेड डेट 26 से 27 सितंबर से चंद्र दर्शन के हिसाब से निर्धारित होनी है और ये काफ़ी बड़ा आयोजन होता है। उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की थी जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे और हमारे उस मेले के लिए मेला अधिकारी विजयनाथ शुक्ला जी जो वहाँ के SDM हैं उनकी उनको मेला अधिकारी बनाया गया है और समयबद्ध ढंग से कार्य हो, व्यवस्थाएं अच्छी हों ताकि आने वाले जारीगरों को दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसकी तैयारी हम लोग अतिक्रमण को लेकर क्या अतिक्रमण 20 तारीख को वहाँ हटाया जाएगा ये बताते हैं। सर सरकारी शौचालय है वहाँ पे जो बंद पड़े हैं काफी समय से,